वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलके मैथ्स। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज फिर से हम एसएससी सीजीएल का एक शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं, सीजीएल प्री 2021। ठीक है, 2021 टायर वन का जो पेपर हुआ है, डेट आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 2022 को पेपर लिया गया था। ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया यहाँ पर, दिस वन इज सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये 11 अप्रैल 2022 को जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें जितने भी 25 मैथ्स इक्वेशन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, CHSL 2020 का सोल्यूशन, CHSL 2019 का सोल्यूशन, फिर CPO की सोल्यूशन, CGL 2019 का सोल्यूशन, CGL 2020 का सोल्यूशन, CGL 2020 मेंस का सोल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे MTS का सोल्यूशन पूरा मैथ्स का कर रखा है हमने, सिलेक्शन पोस्ट का कर रखा है। ठीक है, ICAR किया है, ICAR पूरा अभी नहीं किया है, MTS में भी कुछ शिफ्ट रह गए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ICAR और MTS को कंप्लीट किया जाए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस टाइम कम मिलने के कारण मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम एक शिफ्ट मैं ज़रूर सॉल्व कर दूँ, चाहे वो CGL हो, MTS हो या फिर ICAR हो। ठीक है, CGL अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, इसीलिए पहले मैं CGL पे ही काम कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कोई और पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, ज़रूर से हमारे चैनल में या फिर इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, वीडियो बाईलिंगुअल है इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों हमें एक जगह एक स्लाइड में उसको शिफ्ट करना रहता है, बनाना रहता है स्लाइड ऐसा जिसमें हिंदी भी आ जाए और इंग्लिश भी आ जाए। ठीक है, तो बाईलिंगुअल वीडियो होता है ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो हिंदी इंग्लिश को लेकर, इक्वेशन हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप ज़रूर से वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। और बाकी हमने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जो भी मैंने बताया, रेलवे NTPC का भी मैंने सॉल्व किया है, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो दोस्त हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं, ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, एनके मैथ्स नंदू कुमार, यहीं पर आपको PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई बात हो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे पेड बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो पेड बैच भी हमारा अवेलेबल है काफ़ी कम प्राइस में, आप ज़रूर से हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो अलग अलग वीडियो हैं वो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप जाकर के उन्हें भी जरूर से देखिए अगर आप SSC की या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिक्वेस्ट बहुत करवाते हो आप लोग लाइक और कमेंट के लिए। ठीक है, शेयर तो करते नहीं हो, शेयर मैं लाख बार कह लूँ तो आप एक बार भी नहीं करोगे, इससे अच्छा है कि बोलो ही मत। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये पहला जो है ये हिंदी में ही है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है इसलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, डेट मैंने बता दिया है आपको 11 अप्रैल, सेकंड शिफ्ट 11 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक मिनट का बस टाइम दीजिएगा हमें। ले, ये है अपने पास पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो, एन एलॉय कंटेंस 40% ऑफ सिल्वर, 30% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ निकेल। ठीक है, 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है और 30% निकेल है। अब ये कह रहा है कितना सिल्वर इसमें ऐड किया जाए, कि सॉरी, ये कह रहा है हाउ मच सिल्वर शुड बी एडेड टू 25 kg ऑफ द एलॉय सो दैट द न्यू एलॉय कंटेंस 50% ऑफ सिल्वर। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से और लगभग चार तरीकों से मैंने सॉल्व करके दिखाया है, जो जिन लोगों ने पेड बैच ज्वाइन किया है, लगभग मैंने 4 ways में इसको सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, जिसमें शॉर्टेस्ट वे भी मैंने बताया है। ठीक है, शॉर्टेस्ट वे क्या हो सकता है। ठीक है, और जो अच्छे तरीके हैं, एलिगेशन से आप कैसे कर पाओगे इसको, कॉन्स्टेंट रेशियो से कैसे कर पाओगे, परसेंटेज से कैसे कर पाओगे, हर एक तरीका मैंने बताया है आपको। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन है, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये आपको परसेंटेज के टॉपिक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, अन्यथा मैं यहाँ भी आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि पेड ज्वाइन करना जरूरी है, कंपलसरी है। देखो, कह रहा है 40% चांदी था, 30% तांबा था और 30% निकेल था, 25 kg के मिश्र धातु में कितना चांदी ऐड किया जाए। कॉन्स्टेंट रेशियो में लगा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट रेशियो के तरीका में मैंने बताया था कि जो ऐड किया जा रहा है उसको छोड़ दो और बाकी का रेशियो ले लो, जो कॉन्स्टेंट है वो रेशियो ले लो। आप बोलोगे कि टोटल देखो 25 kg था, इसमें क्या ऐड किया जा रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कह रहा है कि सिल्वर शुड बी एडेड, चांदी ऐड किया जा रहा है ना, चांदी मिलाया जा रहा है, तो चांदी को यहाँ पर भूल जाओ, चांदी 40 है ना, इस चांदी को भूल जाओ और बाकी का रेशियो ले लो, 30% और 30% बाकी के जो आपके उसमें मेटल्स थे या जो भी थे, आप ये समझ लो वो पहले से कितने थे 30 और 30, 60%, बाद में कितने रह जाएंगे, देखो बाद में चांदी चाहिए आपको 50%, लास्ट में क्या कह रहा है देखो यहाँ पर कि 50% चांदी हो जाना चाहिए, तो बाकी के जो धातु बचेंगे वो कितने बचेंगे, 100 में से अगर 50 चांदी है तो बाकी का 50 बाकी के धातु बचेंगे। अब काट लो 25 दुना 50 और 2 से 30 दुना 60,
यानी कि ये 30 kg आ गया है। देखो जो शुरू में 25 kg था वो अब 30 kg बन चुका है, तो कितना ऐड हुआ इसमें, 5 kg ऐड हुआ, तो 5 अपना आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया और घटाया जाता है कितना भाई, 8% बढ़ाया गया और 10% कम किया गया, तो बताना है कि परसेंटेज चेंज बताना है एरिया में क्या होगा। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। जब दो बार चेंज होता है तो आप ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा ईजी है। आप देख लो यहाँ पर 8 बढ़ रहा है तो आप लिखोगे प्लस का 8, फिर 10 कम हो रहा है तो आप लिखोगे माइनस का 10, एंड ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके बनेगा माइनस 8 ना 80/100। ये 8 में से 10 माइनस करोगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 0.8, इट मीन्स दिस इज -2.8%। माइनस में आने का मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, तो पहला ऑप्शन सही है, 2.8% का डिक्रीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि आपके लिए एच डब्ल्यू है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने जो एच डब्ल्यू दिया था उसमें केवल एक किसी लड़की का आंसर आया है, कंफर्म नहीं हूं मैं कि किनका आंसर है, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अगली बार से मैं नेम भी जरूर अनाउंस करूंगा अपने वीडियो में कि किसने सॉल्यूशन किया उसका और किसने आपका जो उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। तो ये आपके लिए इस बार होमवर्क है इस शिफ्ट का, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एलजेब्रा का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और पहले बहुत बार इसकी शुरुआत सीपीओ से हुई थी, मुझे जहां तक याद है 2019 के बाद से ये सीपीओ में आना स्टार्ट हुआ, फिर सीजीएल में, फिर सीएचएसएल में। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होना है। यहाँ पर अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, इजिली नहीं याद है तो भी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, देखो अगर आपको ए क्यूब, देखो ये बेसिकली क्या लिखा है, ए क्यूब, और ये लिखा है प्लस का बी क्यूब, और इधर आपको दिया गया और ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एक बात सीधी सी है कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और कोफिशियंट जो है वो सेम करना है, कोफिशियंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। एलजेब्रा में हमने ये करा रखा है, जो लोग लिए हैं उनको पता होगा, या फिर कहीं से भी आपने पढ़ाई किया है तो एलजेब्रा में जरूर आपके सर ये कराए होंगे। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूला याद कर लो, जो बहुतों को नहीं याद रहता है, तो अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं याद आ पा रहा है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इस पे ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दो फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, ये होता है ए क्यूब, यानी कि 4x का क्यूब आप करोगे, 4 का क्यूब 64x क्यूब, प्लस बी क्यूब इट मीन्स 2y का आप क्यूब करोगे, 2y का क्यूब कितना हो जाएगा 8y क्यूब, प्लस 3ab, देखो इसको मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 दुना 8 किया 24 और एक्स वाई इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस 2y, ये हो गया। अब आप आगे देखो यहाँ पर आगे कितना बनेगा, ये देखो प्लस का ये वाला, इसका आप होल क्यूब करोगे तो ये बनेगा प्लस 4x का क्यूब कितना हो जाएगा, फिर से यही आएगा माइनस में 64, फिर माइनस का 8y क्यूब, माइनस का 3ab, अब इसको थोड़ा इरेज कर देने दो, एक मिनट का टाइम दीजिए बस हमें, एक मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो फिर से ये कितना बनेगा 24 और एक्स वाई इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स 4x और माइनस का 2y, यही बनेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4x क्यूब प्लस, अच्छा देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो इसको लिखने की ज़रूरत क्या है, और 4 क्यों लिख दिया हमने भाई, ये तो 64 है ना, देखो लिखा सही है, बोल दिया गलत बस, देखो ये 8 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, बात क्लियर है, 8 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी को आप कर दो एड, देखो आप ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, तो 64 और 64 कितना हो गया 128 एक्स क्यूब, और प्लस ये 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 चौके 96 और एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस 24 दुना 48 एक्स और वाई स्क्वायर, और प्लस देखो ये तो हमने एड कर लिया है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस का इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 96 और एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस का 24 दुना 48 एक्स और वाई स्क्वायर, ये आ रहा है, यहाँ से 96 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा सेम है, तो ये आ गया देखो अपने पास 128 एक्स क्यूब और प्लस 48 दुना 96 एक्स और वाई स्क्वायर। राइट साइड में क्या था, तो आप बोलोगे राइट साइड में ये था 16 और फिर ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, अब 16 इसमें से कॉमन ले लो बस, अगर 16 आप कॉमन ले लेते हो
तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 16 अठे 128 यानी कि 8x³, 8 आ रहा है बाहर, और प्लस 16 छक 96 यानी कि 6xy² और इक्वल टू, इधर भी 16 है और ये आ गया ax³ प्लस by² हमने bxy² अब देखो हमने एक फॉर्मेट में ला दिया तो x³ और यहाँ भी x³, यहाँ x³ का कोफिशियंट a है और यहाँ पर 8 है तो a की वैल्यू आप क्या बोल दोगे 8, यहाँ xy² का कोफिशियंट b है और इसमें 6 है तो b की वैल्यू क्या हो गई 6, और हमसे पूछा है 1/2 रूट अंडर a² प्लस b², a स्क्वायर मतलब 64 और b² मतलब 36, जोड़ लोगे 100 तो ये कितना आ गया आपके पास 5, 10 का आधा 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब ये है आपका अगला क्वेश्चन ट्रिगो से, इजी क्वेश्चन है। देखो ये है 8√3 और sin 30, ये 8√3 तो ऐसे ही रह जो sin 30 1/2 होता है और tan 60 कितना होता है √3, -3 और cos 0 कितना होता है 1 और +3 sin² 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2 बनेगा और +2 cos² 30 यानी कि 3/4, cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लो आप। देखो अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, अब देखो यहाँ से ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 4 जा और कहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है 2 2 जा, ठीक है। अब ये देखो 4 और ये √3 √3 तो 3 बनेगा ना, तो ये 4 3 12 हो गया, माइनस का ये 3 हो गया और प्लस ये 3/2 और प्लस 3/2, ये 3/2 3/2 तो 3 ही बनेगा, -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 बचेगा आपका, यानी कि ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डीआई का क्वेश्चन आ गया, देखो कंप्लीट आपको शो नहीं हो रहा होगा, अभी दिख रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मनी स्पेंट ऑन मिसलिनियस एक्सपेंसेज इज हाउ मच मोर देन दैट स्पेंट ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन। देखो ये कह रहा है कि मिसलिनियस पर जितना स्पेंड कर रहे हैं, मिसलिनियस पर कितना स्पेंड कर रहे हैं 75 डिग्री, अब ये कह रहा है कि चिल्ड्रेन पर जो एक्सपेंस हो रहा है उससे वो कितना ज़्यादा है, चिल्ड्रेन पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्च आ रहा है 70 डिग्री, तो कितना ज़्यादा हो गया मिसलिनियस वाला, तो आप बोलोगे 5 डिग्री ज़्यादा हो गया, 5 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो ये टोटल एक राउंड लगता है तो कितने डिग्री में कितना एंगल बन जाता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के लिए इसमें वैल्यू दिया हुआ है कुछ, टोटल वैल्यू इसने दिया हुआ था ना, टोटल वैल्यू दिया हुआ था शायद, ठीक है इसमें कैंसिल आउट हो गया, मैं बता देता हूँ आपको टोटल वैल्यू कितना दिया था, आपको टोटल वैल्यू दिया था आपका 10,800 शायद, एक बार आप इसको वेरीफाई कर लेना, ये 10,800 अगर दिया होता तो इससे 10 तो कट ही जाएगा और 36 3 108, ये एक और जीरो लगा रहता शायद, इतना ही था ये था, ठीक है ये वैल्यू दिया हुआ था टोटल, तो आप यहाँ पर 10 से 10 काटोगे और ये 36 3 108 कर दोगे, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो 5 डिग्री की वैल्यू 5 3 1500 आएगा, तो 1500 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था और ये पहले भी आ चुका है CGL में, CPO में खास करके ये बहुत बार आ चुका है नंबर सिस्टम में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ, दोनों को इंक्लूड भी करना है, विच आर नीदर डिविजिबल बाई 3 nor by 7, यानी कि 500 से 650 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटेंगी और ना ही 7 से कटेंगी, तो एक काम करते हैं पहले हम कटने वाला निकाल लेते हैं, और कटने वाला जब निकल जाएगा तो टोटल कितने नंबर्स हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे कटने वाले को, तो जो बच जाएगा वो नहीं कटने वाले बचेंगे, ठीक है। पहले आप देख लो कटने वाले हम कैसे निकालेंगे, एक बात समझना आप पहले कि कटने वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो 500 है और लास्ट वैल्यू है 650, दोनों को इंक्लूड भी करना है, तो कटने वाला में देखो हमसे कह रहा है कि 3 से भी नहीं कटना चाहिए और 7 से भी नहीं कटना चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले ये निकालेंगे कि जो 3 से कट जाए, फिर हम देखेंगे 500 से लेकर के और 650 तक ऐसी संख्याएं जो 7 से कट जाएं, और देखो ये 3 से और 7 से कटने वाला है तो कुछ ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 और 7 दोनों से कट जाते हैं, जो 21 की टेबल में आते हैं 21st, जैसे 21 हो गया देखो, फिर 42 हो गया, 63 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से भी कट रहे हैं और 3 से भी कट रहे हैं, यानी कि इनको हमने 3 वाले में भी काउंट कर लिया, 3 वाले सीरीज में और 7 वाले सीरीज में ही भी काउंट कर लिया, यानी कि जो कॉमन वैल्यूज है ना ये कॉमन हो गए, ये 3 वाले में भी आएंगे और 7 वाले में भी आएंगे, तो ये दो दो बार काउंट हो रहे हैं, तो एक बार इनको हमें माइनस करना होगा, ठीक है। किसे माइनस करना होगा, जो 21 का मल्टीपल है, क्योंकि वो 3 और 7 दोनों में आ रहा है तो हमें किसी एक में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा 500 से, एक्चुअली मैंने 500 लिखा था, ये 600
650 तक जो 21 से कटने वाले हैं इसको हमें हटाना होगा इसमें से, तब पता चलेगा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो पहले आप देखो यहाँ पर ये कैसे पता कर सकते हैं, सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो 3 से और इसको भी डिवाइड कर दो 3 से, देखो लगभग कितना आएगा। 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका देखो 16 × 3 = 48 और 7 × 3 = 21, ये 167 के आसपास आएगा लगभग। ये कितना आ गया आपके पास, 167 नहीं आएगा, 166 पे ही रह जाएगा ना, 20 आया रहा था ना, ये लगभग 166 आएगा। जहां तक कटेगा वहीं तक लिखना है आपको, पॉइंट पे नहीं जाना है। ये 3 से काटोगे तो ये देखो 3 × 6 और 16 × 3 = 48, ये 216 आ गया। ठीक है, अब देखो 216 में से आपको क्या करना होगा, 166 को माइनस करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कितने नंबर्स हैं। हालांकि माइनस कर रहे हैं तो आप ये मत समझना कि इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनको आप माइनस कर लो। माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे इनको माइनस करने से 50 आ जाएगा, यानी कि 50 तो ऐसी संख्याएं हैं जो केवल 3 से कटेंगे, या फिर आप एपी लगा सकते हो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर यहाँ पहला नंबर ढूंढ सकते हो कि पहला नंबर 3 से कटने वाला कौन सा है और आखिरी नंबर 3 से कटने वाला कौन सा है, फिर आप कॉमन लेके बता सकते हो, या वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते हो, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे ही 7 से डिवाइड करो और इसको भी 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 × 7 = 49 और 10 तो 7 एक बार में जा पाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 71 और इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 × 63 और 7 × 2 = 14, ये 92 आ गया। राइट, ये अपने पास कितना आ गया, 92 आ गया। इनको भी आप माइनस कर लो 92 में से 71, तो ये कितना बनेगा, 9 में से 7 = 2 और 1, यानी कि 21 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं और 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं। लेकिन 21 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 21 से भाग करो, 21 × 42 = 80 तो 21 × 63, यानी कि ये तो 23 आ गया, 23 और ये कितना होगा, इसको 21 से भाग दोगे, 21 × 63 और 0 लास्ट 30 आ पाएगा, तो 30 में से आप 23 को माइनस कर लो, यानी कि 7 ऐसी संख्याएं हैं इनके बीच में जो 21 से भी कट रहा है, यानी कि वो 3 वाले में भी काउंट हो गया और 7 वाले में भी काउंट हो गया। तो आप बोलोगे कि टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जो केवल 3 एंड 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बोलोगे देखो 50 और प्लस 21 और माइनस का 7 कर लो, 7 को हटा दो क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है, तो 7 × 14 बच जाएगा, तो ये 64 ऐसी संख्याएं होंगी जो केवल 3 और 7 से कट रही हैं। लेकिन हमें क्या बताना था, जो 3 और 7 से नहीं कटे, तो पहले आप टोटल देख लो कि देखो 500 से भाई मेरे 650 तक टोटल कितनी संख्याएं हो गई। ये कैसे पता चलेगा, आप 650 में से 501 को माइनस कर लो, एक कम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें 500 को भी काउंट करना है। ठीक है, तो एक कम माइनस करना पड़ेगा, अगर हम 500 डायरेक्ट माइनस करें तो 500 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम 499 को माइनस कर रहे हैं इसमें से। कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्चुअल बात है। मान लो अगर हम 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 तक के वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 रह जाता है। हमें यहाँ 500 को माइनस नहीं करना है, 500 को भी काउंट करना है, इसलिए हम उससे एक कम ही माइनस कर रहे हैं। ये माइनस करोगे तो ये 151 आ जाएगा, यानी कि टोटल इनके बीच में 151 संख्याएं हैं और इसमें से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 64, तो जो बच गई 87 वो ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से नहीं कटेंगे। 87 आंसर है। आशा करता हूं कि आप बात समझ पाए होंगे। अगला सवाल है अपने पास, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का कह रहा है कि एक पोल है 23 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 4√15 मीटर हाई, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, यानी कि स्ट्रीट। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक मान लो भाई अपने पास ये दीवार है, इस पे खिड़की लगी है, ये स्ट्रीट हो गया और इस साइड एक और दीवार है। ठीक है, ऐसे आप समझ लो, बीच में कहीं पर सीढ़ी है, ये हो गया अपने पास, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें पहले वाला जो यहाँ पर पहले वाली खिड़की है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 3√5, दूसरी तरफ की जो खिड़की है ये 4√15 है इसकी हाइट। ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये स्ट्रीट की लेंथ कितनी है, और आपको ये भी दिया है कि जो खंभा है, ठीक है, ये 23 मीटर लंबा खंभा है। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखा है आपको, ये 23 दे रखा है ये वाली वैल्यू। अब चलो निकाल लेते हैं कि ऐसे निकलेगा। देखो पाइथागोरस लगा लो, अगर मान लो ये x है ये y है, तो आप x निकालोगे तो पाइथागोरस लगा दोगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 529, इसमें से माइनस कर लो 3√5 का स्क्वायर, तो 3 × 9 = 45 आप माइनस कर दो, ये कितना बन रहा है,
तो ये इसमें से जब 45 माइनस कर लोगे 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 12 में से 4 गया 8, और ये आ गया अपने पास कितना 4, 484 का स्क्वायर रूट हो गया 22, x की वैल्यू 22 आ गया, y निकाल लो ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529 और माइनस 4 का 16, 15 को 16 से गुना करना है तो 15 चौके 60 और 6 चौके 24, ये 240 आ गया। माइनस कर लो देखो 9 में से 0 जाएगा तब तो 9 ही आएगा, और यहाँ बच गया 12 में से 4 गया 8, और ये आपका बच गया 4 में से 2 जाएगा 2, 289 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 17। तो 22 और 17 जोड़ लो, x प्लस वाई ही तो हमें बताना है। अगर आप 22 में 17 ऐड करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, यानी कि 39 आंसर होगा। हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया, पूरा भी ऐड कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है या कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास देखो ट्रिगो का है, ये कह रहा है कि कॉस ए माइनस बी की वैल्यू ये है और सेक की वैल्यू दे रखी है। अच्छा बताओ सेक की वैल्यू अगर 2 दे रखा है तो सेक में 2 कितने डिग्री पर होता है, कॉस में जहाँ 1/2 होगा वहाँ पर सेक में 2 होगा, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। तो आप बोलोगे कि देखो कॉस, इसको कॉस में ही चेंज कर लो बेसिकली, तो ये कॉस ए इक्वल टू 1/2 बन जाएगा, और कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री पर, तो ए की वैल्यू तो 60 हो गई। यहाँ से देखो कॉस में √3/2 कितने पर होता है, 30 डिग्री पे, तो आप बोलोगे कि ए माइनस बी बेसिकली 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये आएगी। और अगर ए का मान 60 है तो बी का मान क्या होना चाहिए, 30, तभी तो माइनस करके 30 आएगा ना, 30 डिग्री आंसर होगा। अगला सवाल देखो, आप अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ, एक मिनट, अ सर्कल विद डायमीटर कितना 20 सेंटीमीटर, टी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, एंड टी ए इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू द सर्कल होना चाहिए बेसिकली यहाँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ ओ टी इज 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टी ए। पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, देखो जैसे ये मान लो अपने पास सर्कल बन गया, ठीक है। इस सर्कल में क्या कह रहा है आपको, सर्कल में कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है वो 20 है, तो रेडियस 10 हो गया, और ये कह रहा है कि टी वृत्त के बाहर एक पॉइंट है और टी ए इस पर स्पर्श रेखा है। मान लो यहाँ से मैंने ये टी ए बना दिया और इसको मैंने मिला दिया, तो कुछ ऐसा केस बन रहा है। देखो अब इसमें वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ये इसका हो गया सेंटर ओ, और ये ए है और ये टी है, ठीक है। टी ए स्पर्श रेखा है ना, ठीक है। ओ टी कितना है, 26 है, ओ टी कितना हो गया ये 26। अच्छा ओ ए कितना होगा, अगर डायमीटर यहाँ पर 20 था तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया अपने पास, और हमसे टी ए पूछ रहा है, तो आप पाइथागोरस लगा दो ना। देखो ये 5, 12, 13 वाला है, आपको याद हो तो, ये 5 का डबल एक 10 दे रखा है, एक 13 का डबल आपको 26 दे रखा है, तो एक 12 का डबल आएगा 24। दिस वन इज 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसे अब छोटा करना पड़ेगा, गिव मी अ मिनट प्लीज, ओके नाउ इट इज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, द विड्थ ऑफ द पथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर एंड इट्स एरिया इज 105.75 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेसिंग द पथ ऑफ द पथ एट द रेट ऑफ 100 रुपी पर मीटर। देखो पहले तो फेसिंग करना है, तो हमें क्या करना होगा, पथ का पेरीमीटर निकालना होगा, यानी कि परिमाप निकालना होगा। पहले पथ कैसा है, आप चाहो तो एक मैं फिगर ही बना देता हूँ, देखना जरा इधर, ये एक हो गया पार्क और इसके चारों तरफ एक पथ है, तो ये मान लो आप ये हो गया पथ, राइट। अब इसमें आप देखोगे कि ये कितना जो आपका चौड़ाई है रास्ते का विड्थ है वो है 4.5, तो इधर भी ये 4.5 होगा, सिमिलरली यहाँ भी ये 4.5 हो जाएगा और यहाँ भी ये क्या होगा 4.5 होगा। अब देखो यहाँ पर आपको रास्ते का एरिया दे रखा है 105.75, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसको मैं L मान लेता हूँ, और ये जो ब्रेड्थ है इसको मैं B मान लेता हूँ। अब आप बोलोगे कि देखो अगर हम बाहर वाले में से, अच्छा बाहर वाला बताओ ये L कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये L प्लस 9 बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में 4.5 बढ़ना है, राइट साइड में 4.5, यानी कि ओवरऑल 9 बढ़ाना है। वैसे ही ब्रेड्थ कितना बनेगा ये बाहर वाला, तो ये B प्लस 9 बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रास्ते का एरिया दिया है, तो बाहरी एरिया में से यानी कि एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया आपको करना पड़ेगा, तो बाहर के स्क्वायर का एरिया, ठीक है, हालांकि अभी स्क्वायर नहीं रह गया ना, ये स्क्वायर था, स्क्वायर था, तो एल और बी मानने की जरूरत ही नहीं है फिर तो,
मान लो जब स्क्वायर है और सेम ही बढ़ना है दोनों साइड, तो एल और बी मानने का फायदा क्या? फिर हम डायरेक्टली इसको मान लेते हैं कि ये भी एल ही है, कोई इशू ही नहीं है, और ये भी एल मान लो, तो एरिया का माइनस कर लो भाई। एक तो एल प्लस नाइन का स्क्वायर होगा और माइनस होगा एल स्क्वायर। बाहर वाला का साइड कितना है? बाहर वाले स्क्वायर का साइड है एल प्लस नाइन, और अंदर वाले का स्क्वायर का साइड कितना है एल। तो हमने इनके एरिया को माइनस कर दिया, एरिया होता है साइड स्क्वायर, और ये अंतर किसके बराबर है? 105 और 0.75 के। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ना, तो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं, l की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये देखो अगर एड करोगे तो ये आ जाएगा 2l और प्लस 9, और जब इनको माइनस करोगे तो l तो कट जाएगा, हालांकि माइनस करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है, जब प्लस करेंगे तो ये इंटू का बस 9 आ जाएगा, और ये हो गया 105 और इंटू का 75। इस 9 से इसको काट दो कट जाएगा, ये लग रहा है 9 से ये कटेगा कितनी बार में? 9 एक बार में, 1 5 फिर से 9 एक बार में, 6 और 7 तो 9 7 63 और 9 5 45 इतना आएगा। फिर यहाँ से 2l की वैल्यू 9 जा करके एड हो जाएगा, तो 11 और 9 20.75 हो गया। तो 4l की वैल्यू हमें बतानी है, हमें क्या 4l की वैल्यू नहीं बतानी है ना, हमें हमें बताना है कि रास्ते पर बार लगाने का व्यय, पथ को चारों तरफ से घेरना है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, पहले उसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो 4l की वैल्यू निकाल दो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर 2l की वैल्यू इतनी है तो 4l की वैल्यू कितनी होगी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 75 चौके 300, नहीं डबल करना है ना बेसिकली, 75 दुना 150 और 20 दुना 40, 40 और 15 कितना होगा? 55, ठीक है, ये इतना आएगा 4l की वैल्यू, यही आएगा ना, 55 ही केवल आ रहा था ना, एक मिनट, डबल ही तो करना था। 20 का डबल हो जाएगा 40 और 0.75 का डबल, कुछ गलत तो नहीं काट दिया ना हमने? 5 दुना 10, 7 दुना 14, 1 15, 20 दुना 40 और 1 41, ये तो इतना ही आने लगा। समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अच्छा 9 माइनस होना था, सॉरी 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 दोस्त, ये हो गया गलत यहाँ से। चलो हमने 9 से काटा तो कम से कम सही था ना, बाहर वाले एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी करेंगे तो 9 ही बचेगा, और ए माइनस बी करेंगे तो 2l और प्लस का 9 बचेगा। 9 से हमने काट दिया तो ये 9 एक बार में कट गया, बचा 1 और 5, तो 9 एक बार में, 6 7 तो 0.9 7 63 और 9 5 45, तो 2l की वैल्यू जो है वो 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2.75 बच रहा है 2l की वैल्यू। तो बाहर से अगर फेसिंग कराना है, मान लो रास्ते पर बार लगाना है बेसिकली, तो रास्ते का पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं बताओ? रास्ते का अब बाहर बाहर बार लगेगा, अंदर से तो लगेगा नहीं, तो अगर बाहर बाहर बार लगेगा तो बाहर वाले में l प्लस 9 हमें निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, क्योंकि बाहरी साइड जो है वो l प्लस 9 है। अगर अंदर वाले का निकालें तब तो 4l होता है, 2l की वैल्यू अगर हम इतनी ले ही ली तो 4l की वैल्यू इसका डबल आएगा, 5 दुना 10 और 27 दुना 54 और 155, तो ये पॉइंट तो हट गया ना, सही है सही है, 4l की वैल्यू 55 आ गई, 55 सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी आप कह लो, 55 मीटर इसका क्या है, इसका केवल पेरीमीटर है ये, और 100 रुपये के हिसाब से खर्च आएगा इस पेरीमीटर को कंप्लीट फेसिंग कराने में। तो हम लिख देंगे, देखो जब पर मीटर का यहाँ पर 100 रुपये लग रहा है तो 55 मीटर का कितना लगेगा? 55 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो 5500 बन गया, यहाँ पर एक पॉइंट भी था ना, सॉरी बेसिकली ये 2.75 था ना, तो डबल करते तो एक बार और पॉइंट आता ना, ये 5.5 आना था, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर एक पॉइंट है 5.5 है, तो ये 550 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अगला सवाल अपने पास डीआई से है, ये कह रहा है कि किस वर्ष में ए प्रकार के कारों का निर्यात जो है वो 5 वर्षों में बी प्रकार के कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो बी का पहले एवरेज निकाल लो, पहले सम कर लो, बी का एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज का मतलब होता है सम और अपोन में नंबर। अब बताओ सम कितना होगा? बी वाला ऐड कर लो, बी यानी कि रेड वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये 225 है, कब से कब का लेना है? पूरे पाँचों का, तो 225 और ये 250, तो पहले पहले को हम जोड़ रहे हैं, 22 और 25 कितना हो जाएगा अपने पास? 47 और 20 हो गया कितना? 67 और 27, सात पहले जोड़ दो तो 74 और 20 94 और 32, तो 94 और 32 आपको जोड़ना है,
तो 94 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, आप देख लो, 94 और 30, 9, 3, 12, 124, ठीक है, और 2, 126 बन गया, यानी कि ये तो 126 का मतलब 1260 हो गया। और बाकी ये जोड़ लो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, 10 और 5 15, तो 1260 और 15 1275 आ गया, ये ओवरऑल 1275 आ गया। और डिवाइडेड बाई 5 कर लो, ये बी का एवरेज आ रहा है, ठीक है, टोटल हमने सम कर लिया, 5 से काटोगे तो 5 दुना 10, 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 25, यानी कि 255 आ रहा है। अगर बी का एवरेज 255 है तो ए कितना चाहिए, इससे 55 कम चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि ए चाहिए 200। देख लो ए 200 किस में है, 2014 वाले में ही 200 है यहाँ पर ए की वैल्यू, ठीक है, तो 2014 आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है एक काम को 46, 92 और 23 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई ने 2 दिन बाद काम, वाई 2 दिन बाद उसमें जुड़ गया और जेड स्टार्टिंग से 8 दिन बाद उसमें जुड़ता है, तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया। मान लेते हैं, देखो पहले हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि एक्स जो है ये 46 डेज में कर सकता है, वाई जो है ये 92 डेज में, और जेड जो है ये 23 डेज में, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो यहाँ पर 92 ही आ जाएगा, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1, ये 2 है, और इसकी एफिशिएंसी 23, 94, 92, 4 आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्स कितने दिन तक काम किया, तो मान लो अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क ये एक्स डेज में कंप्लीट हुआ, ठीक है, एक्स डेज तक चला शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आप बोलोगे कि देखो भाई एक्स ने स्टार्टिंग से ही काम किया है, एक्स अगर स्टार्टिंग से काम किया है तो एक्स कितना यूनिट काम कर दिया, एक्स पर डे 2 यूनिट का काम करता है, पर डे 2 यूनिट काम करता है, तो एक्स दिन में कितना काम कर लेगा, ये 2x काम करेगा, ठीक है। वाई का क्या हिसाब है, वाई 2 दिन कम आता है, यानी कि वाई ने कितना दिन काम किया, टोटल एक्स दिन काम चला है तो इसमें से 2 दिन कम ही काम किया वाई, और ये किस एफिशियंसी से काम करता है, 1 की एफिशियंसी से। जेड ने कितना काम किया, जे आठ जेड जो है ये 8 दिन बाद आता है, टोटल काम अगर 1 दिन तक चला तो इससे ये 8 दिन कम ही काम किया और एफिशियंसी इसकी 4 की थी, और टोटल काम हुआ कितना, 92। ये देखो 2 और 1 3x और 4 7x बन गया 7x, और ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 8 चौके 32 इक्वल टू का 92, तो 7x की वैल्यू 32 और 2 34 इधर जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 9 3 12, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7 एक बार में और 7 8 56, यानी कि 18 दिनों तक काम चला है और एक्स पूरे लास्ट तक रहा है शुरू से लेकर के, तो 18 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी पहले 10 ओवर में 7.1 के रन रेट से रन बनाता है, तो 272 रन का टारगेट अचीव करने के लिए मुझे बाकी के रिमेनिंग 40 ओवर्स में क्या एवरेज रन रेट रखना चाहिए। देखो 10 ओवर में रन रेट अगर 7.2 था तो 10 ओवर में जो टोटल रन बना दिया वो कितना रन बना दिया होगा, तो आप बोलोगे एक ओवर में 7.2 बनाता है तो 10 ओवर में 72 रन बना दिया होगा, टोटल 272 रन बनाने थे, अगर 272 में से 72 रन बना दिया तो और कितने रन बनाने रह गए, 200 रन बनाने रह गए, और ये 40 ओवर में बनाना है। देखो 40 ओवर में अगर 200 रन बनाना है तो पर ओवर यानी कि हर एक ओवर में कितना रन बनाएगा, 5 रन, डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, यही था ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉफिट बाई सेलिंग एन आर्टिकल इज 832 रुपीज, 832 रुपये में बेचता है तो जो प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड वेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेट 448 रुपीज, यानी कि 448 रुपये में बेचने से जो उसको लॉस होता है उतना ही उसको प्रॉफिट मिलता है 832 में बेचने से, तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वो 10% लॉस में बेचे। देखो पहले एक बात समझ लो आप कि अगर 448 में बेचता है तो यहाँ से एक्स का लॉस आएगा, ठीक है, और एक्स का लॉस आप इसमें जब ऐड करोगे तब आपका सीपी मिलेगा, और अगली बार एक्स का प्रॉफिट हो जाता है जब ये 832 का बेचता है, तो आप ये जो गैप आ रहा है ये कितना बोलोगे कि देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, यानी कि ओवरऑल 2x के बराबर ये गैप आएगा, इस दोनों को माइनस कर लो, माइनस करोगे 12 में से 8 जाएगा 4 और 12 में से 4 गया 8 और ये 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि x की वैल्यू 19 दुना 38 और 2 दुना 4 आ गया। x की वैल्यू अगर 192 आ गया, यानी कि यहाँ से अगर आप 192 ऐड कर देते हो तो आपका सीपी आ जाएगा, तो सीपी हो गया देखो 448 और प्लस 192 जोड़ लो, 8 2 10 का 0, 9 4 13 और 1 14 4 1 5 और 1 6, 640 रुपये में खरीदे हैं, अगर 10% लॉस लेकर के बेचोगे तो इसका 10% कितना होगा, 64 आप लॉस ले लोगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जैसे ही हमने माइनस किया यूनिट डिजिट 6 दिख गया। ओके, वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, और लाइक करके जरूर जाना है एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल को। अब आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमें इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं बेझिझक होकर। ओके, अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इनसे डिवाइड करने पर समान शेषफल दें, ऐसा सवाल हमने बहुत बार बता रखा है, तो ये आपके लिए HW हो गया दूसरा क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है।
या चलो बता ही देते हैं, फिर आप बोलोगे कि सब HW ही दे दिया तो खुद क्या बनाया। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है आप जरूर से मुझे कमेंट करना कि क्या हमें होमवर्क आपके लिए देना चाहिए ऐसे HW एक दो क्वेश्चन या फिर नहीं जो इजी टाइप के लगे। देखो अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है यानी कि HCF निकालना है, इनका गैप ले लो, इस पहले दोनों का गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 14 में से 8 जाएगा 6 और 11 में से 10 जाएगा 1, 16 का। इनका गैप कितने का है, 24 दुना 48 होता है ना, तो ये 6 ज़्यादा है तो ये 30 का गैप है, 30 का ही गैप है या 32 का, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा ना, 32 का गैप है। और फर्स्ट और लास्ट का कितने का गैप है, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ बच गया 14 में से 10 जाएगा 4, 48 का। इनका बस HCF ले लो, 16, 32 और 48 का HCF तो 16 ही आएगा, 16 से इकट ही रहा है तो 16 आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 2014 और 17 में बी प्रकार के कारों का टोटल निर्यात, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट 15 से 18 में ए प्रकार के कुल निर्यात से कितना परसेंट अधिक है। पहले बी का निकाल लो 14 से 17 तक का, बी कौन है, रेड वाला 14 से 17, देखो 14 में ये है, ये 15 का है, ये 16 का है और ये 17 का है, ऐड कर लो। बी वाला कितना आएगा, ऐड कर लोगे देखो 22 और 25 हो गया 47, और 20 कितना होगा 67 और 27, 74 और 20 94, और बचा आपका 5 और 5 10, तो ये 104 बन गया, 94 में 10 आप जोड़ दोगे 104। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 104, हालांकि ये 10040 बनेगा, एक जीरो हमने लास्ट का छोड़ रखा है, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी दोस्तों, ये बनेगा आपका, हमने गलत जोड़ दिया क्या, 22 और 25 47 और 20 कितना हो गया 67 और 27 94, अच्छा, एक मिनट, 10 ही जोड़ना था ना, 10 का मतलब यहाँ एक से है तो ये 95 बनेगा ना, सॉरी हमने गलत समझ लिया, ये बेसिकली 950 आएगा बी वाला टोटल। ए वाला टोटल ऐड कर लो, ए वाला चाहिए 15 से 18 तक का, देखो 15 में ए कितना है 150, ठीक है, 16 में है 275 और ये 17 में है 175 और 18 में है 300, तो 300 और 150 कितना हो गया 450, और प्लस ये 175 और ये 275 जोड़ लो, 75 दुना 150 और 300 और 150 ये भी 450 आ गया यार, ये तो फिर 900 हो गया, बहुत अच्छी बात है, हो जाए ना तो 900, ए की वैल्यू 900 हो गई। तो ये कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, बी वाला कितना ज़्यादा है बताओ, 50 ज़्यादा है 900 पे, इंटू का 100, ये 20 से 20 और ये 9 5 45, तो 5 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5.6। बस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉल्ड पी आर एंड क्यू एस मीट एट द पॉइंट टी व्हेन प्रोड्यूस्ड, यानी कि दोनों, अगर देखो दो इस यहाँ पे कॉर्ड्स हैं, दो जीवाएं हैं पी आर और क्यू एस, दोनों को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो पॉइंट टू पर जाकर के मीट कर जाती हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू डायमीटर है, ये एंगल दिया है आपको 42 डिग्री का, तो आपसे पी टी क्यू पूछ रहा है। ऐसा तो कई सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया ना, एक क्वेश्चन मैंने कल ही किया था इस टाइप का। देखो अगर ये सर्कल है दोस्त, तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू डायमीटर है, तो मान लो मैं एक डायमीटर ऐसे खींच देता हूँ, ये नाम मैंने रख दिया कि ये है अपना डायमीटर, दैट इज पी एंड क्यू। अब क्या कह रहा है देखना, अब कह रहा है कि पी आर और क्यू एस को आगे बढ़ाने पर ये टी पर मिल जाती हैं, तो मान लो ये पी आर है और ये क्यू एस है, और ये आगे जाकर आगे बढ़ने पर कहाँ पर जाके मिलती हैं, टी पर मिल जाती हैं, तो ये जो पॉइंट है बेसिकली इसको हमने बोल दिया कि ये पॉइंट टी है, ओके। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखना जरा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आर ओ एस जो है, देखो ये वृत्त का व्यास है और ओ इसका सेंटर भी है, तो ओ एक सेंटर भी बना लेते हैं, देखो आप ये ओ हो गया। अब आपको आर ओ एस दिया है, एंगल कितना, ये आर है, ठीक है, पी आर और ये क्यू एस, तो आर ओ एस यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है, मैं सीधा सीधा बना देता हूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, तो ये एंगल आपको गिवन है कितना भाई, कि ये वाला जो एंगल है ये 42 डिग्री है, और पी टी क्यू पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर कि ओ पी जो है ये भी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है, तो ये दोनों सेम हो गया, उसी तरह से इधर ओ क्यू रेडियस है और ओ एस भी रेडियस है, तो ये दोनों भी सेम हो गया, और अगर किसी त्रिभुज में साइड सेम होती हैं तो उनके सामने का एंगल भी सेम होता है, यानी कि ये P और R पे जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, वैसे ही Q और S पे जो एंगल बनेगा वो सेम होगा।
तो यहाँ पे बेसिकली अब तो सम पे डिपेंड कर दिया ना, क्यू निकालना है तो ये पी और क्यू के सम पे डिपेंड कर दिया। तो पी और क्यू का सम हम किसी तरह से निकाल लेते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके। आप मान लो देखो यहाँ पर अगर ये एंगल 42 डिग्री है तो केवल इस ब्लू वाले के लिए और इस ब्लू वाले के लिए कितना बचा? जैसे मान लो अगर मैं x और y लिखूं तो आप बताओ x और y के लिए एंगल कितना बच गया, x प्लस y कितना बच गया? तो आप बोलोगे दोस्त मेरे कि x प्लस y जो बचा वो 180 में से 42 को माइनस कर दो, क्योंकि एक लाइन पर 180 का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पे। अब ये 42 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 140 में से दो जाएगा 138। अब इसको किसी भी तरह से दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, कुछ इसको दे दो और कुछ इसको दे दो। देखो हम एक्चुअल यहाँ पर बिल्कुल प्रोसेस से नहीं बना रहे हैं, हालांकि जब दो एंगल्स के सम पे वैल्यू डिपेंड करता है तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस सम उनका सेम आना चाहिए। जैसे देखो सम 138 आने लगा ना यहाँ पे 138, तो हम अब कुछ भी वैल्यू ले लें, ये सम हमारा 138 होना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं 138 में से कुछ वैल्यू तो इस ट्रायंगल को दे देते हैं और कुछ अपना इस दूसरे ट्रायंगल को दे देते हैं। अब आप देखो 138 में से मान लो कुछ भी वैल्यू हमने इसको दे दिया, जैसे मान लो 138 में से आप इसको 38 ही दे दो और इसको 100 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 38 अगर बच गया तो दो एंगल रह गए थे, तो ये भी 19 का बन जाएगा और ये भी 19 का बन जाएगा। ये टोटल आपका कितना था, 100, तो इसमें ये 50 का बन जाएगा और ये भी कितने का बन जाएगा, 138। अच्छा अच्छा एक मिनट अभी गलत हो रहा है, हमने गलत समझ लिया, ये रुकना जरा, 19 नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 50 भी नहीं आएगा। देखो 42 हमने जब माइनस किया यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, तो ये 132 आया, लेकिन ये 132 और x और प्लस y के लिए आया ना, ठीक है, x प्लस y के लिए 132 आया, ये ध्यान रखना, बात क्लियर है? x और y टोटल मिलके कितना हो रहा है, 132 हो रहा है। तो x और y के लिए कोई भी वैल्यू आप चूज कर लो, 132 नहीं था, 138 आया था, सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ये 138 आ गया, तो आप 138 में से क्या करो कि x के लिए कुछ वैल्यू ले लो, y के लिए कुछ वैल्यू ले लो। मान लो अगर x को आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, x जो है ये 38 डिग्री हमने ले लिया और y हमने ले लिया 100। अब बताओ अगर x आपने 38 ले लिया तो p और q के लिए कितना बच जाएगा, 100 में से 180 में से 38 माइनस कर दो तो 142 बच जाएगा। 142 में पी क्यू तो बराबर होगा, यानी कि ये 71 होगा, ये भी 71 होगा। इधर y की तरफ देखो, अगर y ही 80 है तो बाकी इस दोनों कोनों के लिए q और s के लिए कितना बन गया, 80, यानी कि ये दोनों कितना आएगा, 40। अब t बता दो, t इजिली आप बता सकते हो कि 180 माइनस p प्लस q हमें बताना है, तो ये हो जाएगा 180 और माइनस का p प्लस q कितना है, देखो एक है 40 और एक है 71, तो ये 111 बन गया ना, यानी कि लास्ट में 9 आएगा, 69 डिग्री होगा। 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8, 69 डिग्री। देखो कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो, मैं ये नहीं कह रहा है कि यही वैल्यू एज्यूम करो, ठीक है, एक्स वाई लेकर के सॉल्व करने से बहुत बेहतर है। देखो जैसे मैं वैल्यू चेंज करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, अभी पेड कोर्स में हमने इसको कंप्लीट नहीं किया है हालांकि ज्योमेट्री को, लेकिन ज्योमेट्री जब आएगी तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। ये सब हटा देते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ। अरे कहाँ चला गया भाई, एक मिनट रुक जाओ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ देखो हमने क्या बोला आपको कि ये अगर 42 है तो x प्लस वाई, देखो ये पूरी एक लाइन पे कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 180 का, तो 180 में से अगर हमने 42 को माइनस किया तो x और y टोटल 138 का आ गया। इसमें से मैंने इसको x माना था और इसको y माना था, तो x और y को आप कुछ और भी ले सकते हो। देखो कि यहाँ पर अब 138 में से कुछ वैल्यू x को दे दो और कुछ वैल्यू y को दे दो। मान लो हमने 38 नहीं दिया इसमें से, मान लो इसके बदले हमने 48 दे दिया कि x जो है दोस्त ये 48 है, या कुछ भी दे दो इसको, आप 30 दे दो, 40 दे दो, 60 दे दो, 70 दे दो, जो आपको मना है वो दे दो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको 60 ही दे दूँ, 60 दे दोगे तो कितना बचेगा, या 30 दे देते हैं, मान लो x को मैंने मान लिया कि ये 30 है, तो 138 में से अगर ये 30 है तो y कितना बचेगा, 108 बचेगा, ठीक है। अब ये देखो त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 30 है, तो बाकी के 150 रह गए, यानी कि ये 75 और ये 75 रह गया। इधर अगर 180 में से 108 निकल गया तो कितना बच गया बताओ, अगर 10 निकला होता तो 70 बचता, लेकिन ये दो कम है ना, तो ये 62 बचा होगा, 62 नहीं 72 बचा होगा, तो ये 72 का आधा होगा, यानी कितना होगा 36, और ये भी 72 का आधा होगा 36। अब t कितना होगा, तो t आप बोलोगे 180 और माइनस का p प्लस q होगा,
तो बताओ ये कितना हो गया 180, और माइनस पी प्लस क्यू आप ऐड कर लो, 75 + 36 कितना हो जाएगा 111, और ये अभी भी 69 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ सम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है 180 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या से कितने परसेंट का कितना परसेंट है। देखो 180 से कम पाने वाले कौन हैं, ये काफ़ी कम दिख रहा है, बेसिकली ये बड़ा होना चाहिए था। मैं ट्राई कर लेता हूँ, अगर बड़ा करके ये आपको सही से दिखने लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर और बड़ा कर लेते हैं। देखो हमने इतना बड़ा कर दिया इसको, अब अगर ये आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। देखो 180 से कम, तो ये लाइन है 170 से 180 का, तो इसके इधर का आपसे इसके इधर का टोटल लेना है, और फिर 190 से अधिक, तो ये लाइन है आपका 190 वाला, तो यहाँ से और यहाँ तक का लेना है, और बताना है कि 190 से अधिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या का कितना परसेंट है। यानी कि ये टोटल ऐड कर दो तो ये 55 है, ये 80 है, और ये 108 है। तो देखो 108 में से 8 तो हटा दो पहले, तो 180 और 5 230, 235 और 8 243 बन गया, ये टोटल हमने ऐड कर दिया, तो ये वाला कितना बन गया 243। इसको ऐड कर लो, ये है आपके पास कितना 250, 250 है या 150 है, 150 है ये, ठीक है, और ये है 105, ठीक है 150 और ये 105 है, आप देख लेना अगर कंफर्म कोई दिक्कत आ रहा है तो। और अगला है 70, अगर इनको आप सबको ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 335, ठीक है, ये कितना आ जाएगा टोटल 335 आ गया। तो हमें बताना है कि जो 243 है वो इस 335 का कितना परसेंट है। अब इसमें जो कैलकुलेशन है वही है, अगर 5 से आप काटते हो तो 5 × 36 और 5 × 7 = 35, 67, और ये 20 × 25 = 100 हो गया। अब देखो ये 67 आ गया, तो ये तो कटने से रहा, तो आप अप्रोक्सीमेट इसको 66 लेके एक बार काट के चेक कर लो, 66 होता तो ये 6 से कट जाता, 11 × 66 और इसको 2 से काट दो 10 और इसको 3 से काट दो 3 × 8 = 24, 3 एक बार में, यानी कि ये 810/11 आ जाता, 11 से डिवाइड करते 11 × 77 और बचता 40, यानी कि 11 × 33 और पॉइंट समथिंग। देखो नीचे वाली वैल्यू को हमने कम किया है ना, 67 के बदले हमने 66 कर लिया, ठीक है 67 आया था ये, 67 ही आया था, तो ये 73 point something आ रहा है, तो 73 का जो करीबी रिश्तेदार है उसको आंसर मान सकते हैं हम, तो ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्तों कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, वर्टिकल पोल है, ठीक है, एंड अ वर्टिकल टावर है, सेम लेवल ऑफ ग्राउंड, एक ही लेवल पे यानी कि एक ही ग्राउंड पे, ठीक है, टॉप ऑफ पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 degree एंड डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बटन पे है वो 30 degree पर है। अब ये कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर 76 है, तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, पोल छोटा होगा टावर बड़ा होगा, तो ये पोल मान लेते हैं, ये टावर मान लेते हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ये इनके जो सिर्स हैं वर्टिसेज हैं उसका डिस्टेंस हो गया, इसको भी मिला देने में कोई दो राय नहीं है, इसको भी मिला दो, और इसको भी मिलाना ही पड़ेगा एंगल जानने के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है। अब देखो आपको ये कह रहा है दोस्तों कि वर्टिकल टावर है और वर्टिकल पोल है, ठीक है, और यहाँ पर 60 degree बनता है एंगल टॉप का, यानी कि ये एंगल 60 degree है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 degree है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर देखो आपको टावर की लेंथ 76 दे रखा है और पोल की लेंथ पूछ रहा है, टावर इसमें कौन सा है, ये टावर है जो लंबा वाला है, इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 76, ये टोटल 76 हो गया, और ये एक्स आपसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर 30 के सामने एक्स है तो ये 60 बन गया ना आपके पास, 60 के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों x√3, ये एक्स है तो ये x√3 हो गया 60 के सामने। अब देखो अगर ये x√3 है तो ये भी कितना होगा x√3 होगा, और ये 60 है तो ये वैल्यू 30 हो गया, और 30 के सामने अगर x√3 है तो 60 के सामने कितना होगा उसका √3 times होगा, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3x, ये 3x आ गया, और ये x था तो ये भी x हो गया, यानी कि ओवरऑल ये लाइन कितनी हो गई 4x की, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना दे रखा है 76, 4x की वैल्यू 76 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, ठीक है। इधर डॉग जितना तेज साउंड कर रहा है उतना तेज साउंड मुझे भी करना पड़ रहा है कि आपको इजीली सुनाई दे पड़े, और वैसे भी काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि माइक मेरा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फाइनेंशियली वीकर कंडीशन चल रहा है अभी मेरा, ठीक है।
तो जैसे ही कंडीशन सही होता है मैं एक नया माइक ले लूंगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 19 आ रहा है, तो मुझे लगता है 19 ही आंसर होगा, क्योंकि हमने तो एक्स ही अज्यूम किया था ना, इसको हमें हाइट बतानी थी पोल की। ये क्वेश्चन आ गया एलजेब्रा का, इजी क्वेश्चन है, देखो ये सिंप्लीफाई करना है। ये आप देख रहे हैं ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब का फॉर्मेट लग रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का अगर फॉर्मेट लग रहा है तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो नहीं है, क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होता है दिस इज इक्वल टू 3abc व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है, 3abc के बराबर होता है, ये आपको बात मालूम होगी। तो यह पहले क्यूब के फॉर्मेट में लिख लो, ये किसका क्यूब है भाई, ए स्क्वायर और प्लस 4b² का क्यूब है, ये तो हो गया ए क्यूब। ये किसका क्यूब है देखो, अगर 64 से इसको गुना कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 64b² बनेगा ना, 64 सीधे किसका क्यूब है यही देख लेते हैं, हटाओ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 64 चार का क्यूब है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 4b² और -4 का 16c² का क्यूब है। या तो आप बाहर ही 4 का क्यूब लिख देते या उस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4b² -4 4 16c² हो गया, ये आपका क्यूब के फॉर्मेट में है ही 16c² और -a² का क्यूब। अब ये पहली वाली जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को आप a मान लो, इस पूरी वैल्यू को b मान लो और इस पूरी वैल्यू को c मान लो, और आप चेक कर लो कि क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो रहा है। आप इसको ऐड करोगे सबको तो आप देखोगे कि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, कट जाएगा प्लस माइनस, 16c² प्लस माइनस कटेगा और 4b² प्लस माइनस कटेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है, तो ये वैल्यू बेसिकली 3abc के बराबर होगा ऊपर। तो आप लिखोगे 3, a के जगह पर यहाँ कितना था, तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4b² इंटू का b कितना था 4b² और माइनस 16c² इंटू का c 3abc, c कितना था 16c² और माइनस का a² अपॉन, देखो ये भी वही केस है, ये भी आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc वाला केस है। यहाँ भी एड करोगे देखो 2b से 2b कट रहा है, ये 4c से 4c कट रहा है और a से a कट रहा है, तो ये भी 3 इंटू a कितना हो गया आपके, देखो a माइनस 2b इंटू b यानी कि 2b और माइनस का 4c और इंटू c कितना आ गया 4c माइनस a, ये आ गया 3abc मैंने लिख दिया। अब आप जरा देखो कि जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, अगर आप यहाँ से इसको, बीच में माइनस था ना, सॉरी ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पर भी ये क्या आएगा, माइनस। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कंडीशन में है, अगर इससे मैं इसको काटूँ तो ये a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस 2b बेसिकली, ठीक है। ये बात कैसे मैंने लिखा, देखो बेसिकली हमारा ए स्क्वायर माइनस 4b² आ रहा था, तो जिसको हम ए स्क्वायर और माइनस 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये बनेगा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यही बनेगा ना, तो इससे हमने इसको काट दिया। फिर वैसे ही इसको काट दोगे तो ये बचेगा आपका 2b और प्लस 4c, और इससे इसको काट दोगे तो ये बचेगा 4c और प्लस a। आप मिला लो कहाँ पर ये ऑप्शंस में है, ठीक है, और ये 3 से तो 3 कट ही जा रहा है, तो 3 2 ये सब तो आने की जरूरत ही नहीं है, माइनस भी नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, फिर कोई डाउट ही नहीं, ना तो माइनस आ रहा है ना ही 2a भी कुछ बच रहा है, तो खेल ही खत्म हो गया ना इनका, फिर तो माइनस नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, 3 a प्लस 2b और b प्लस 2c और 4c प्लस a, ठीक है सही आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, आपके पास पार्टनरशिप का है, ABC जो है एक बिजनेस शुरू करते हैं, इनिशियली a जो है 29,000 इन्वेस्ट कर देता है, देखो a जो है ये 29,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, b एंड c हर एक ने इन्वेस्ट कितना कर दिया 25,000, यानी कि b भी 25,000 इन्वेस्ट करता है और c भी कितना इन्वेस्ट करता है 25,000। अब कह रहा है कि 4 महीने बाद, अच्छा यहाँ पढ़ रहा था, ए विदड्रॉ 3,000 आफ्टर, यहाँ पर है बेसिकली, आफ्टर 4 मंथ्स ए विदड्रॉ 3,000, 4 महीने बाद ए 3,000 निकाल लेता है, तो देखो ये 4 महीने तक इसका 29,000 तो चलेगा ही, इसके बाद अगर 3,000 वो निकल जाएगा उसका तो 26,000 इसका चलेगा, कितने महीने तक, अब 8 महीने तक, क्योंकि तो एक साल की बात है। बी का क्या हिसाब किताब है, देखो आगे कह रहा है कि सी इन्वेस्टेड 12,000 मोर, कब, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, यानी कि ए ने, देखो ए 4 साल बाद, 4 महीने बाद निकाल लेता है 3,000 रुपये, और सी क्या करता है उसके 2 महीने बाद, यानी कि ओवरऑल 6 महीने बाद हो गया ना, 4 महीने बाद तो ए ही अपना काम किया था, उसके 2 महीने बाद सी काम करता है, ये इन्वेस्ट कर देता है और 12,000, यानी कि बी के बारे में नहीं कहा, तो बी का 12 महीना तक यही रेट रह जाएगा,
सी जो है वो 4 और 2 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने तो 25 चलेगा, 12,000 और डेड कर दे रहा है तो 25,000 के बदले अब 37,000 चलेगा अगले 6 महीने। तो ये बेसिकली इनका रेशियो बन रहा है, इसको ब्रेक करना है और इनको टोटल को आपको बराबर में रखना है, कितना 33,200 के, और सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो इनको अच्छे से ब्रेक कर लो, पहले काटो पीटो ऐस करो, फिर 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट जाएगा 2 times, ये भी 4 से कट जाएगा 3 times, ये 4 से नहीं कटेगा, लेकिन तो बेकार हो गया इतना मेहनत करना, मैंने ध्यान दिया ही नहीं कि लास्ट वाला 4 से कटेगा कि नहीं। 6 से तो सारे लग रहा है कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो 2 से काटें, 2 से काटने से अच्छा है मल्टीप्लाई ही कर दें। देखो ये 9 चौके 36 का 6 4 2 8 और 3 11 116 आ गया, 8 6 48 8 2 16 और 4 20, ठीक है 8 2 16 यानी कि 160 और 8 6 48, ठीक है। ये 25 को 12 से गुना करोगे तो 25 6 150 होता है, तो ये 300 आ गया, ये 25 6 150 हो गया, और 37 को अगर 3 से करोगे तो 111 आ जाएगा, और फिर 2 से और करोगे तो ये 2 2 2 आ जाएगा, तो ये आ गया देखो 2 5 और 2 7 2 और 1 3 372, ये आ गया अपने पास 300, और ये आ गया आप जोड़ोगे तो 8 6 14 और ये 2 और 1 3 324 आ गया। तो ये 6 से कटता नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 12 से तो नहीं कटेगा लेकिन 6 से ये कट जाएगा, ठीक है 6 से काट देते हैं। अगर आप 6 से काटते हैं तो ये 6 5 30 और 6 4 24, ये 6 से काटोगे 6 5 30 50 आ गया, ये 6 6 36 और 6 2 12, ये 2 से और कट रहे हैं 27 2 54 25 2 50 और 31 2 62। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है, तो 31 से कटने वाला आंसर होना चाहिए, आप ऐसे चेक कर लो या टोटल ऐड कर लो, यहाँ से टोटल ऐड करोगे तो ये 25 2 50 और 25 3 75, ये देखो 6 कम है तो 75 और 6 81 और ये 2 कम है तो ये 83, ओवरऑल ऐड करके 83 आ गया, और क्वेश्चन में दिया है 3 3 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 बार में कट गया, और 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 की वैल्यू 31 4 1 2 4 1 2 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि देखो अ कार रन्स फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 315 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ 275 चल दिया, यहाँ 375, तो 2 और 3 500 चल दिया, 590 चल दिया ये टोटल टाइम, ठीक है, और सॉरी टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये 50 घंटे में चलता है इतना, तो 100 घंटे में इसका डबल चला होगा, 5 दुना 10 और 27 दुना 54 और 1 55, यानी कि 5.5 टाइम यहाँ आ जाएगा। इससे डिवाइड कर दो, इसको 70 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 चौके 28 और 7 5 35, यानी कि 4.5 यहाँ हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लिख दिया, 59 तो किसी के बाप से भी नहीं कटेगा, तो 59 वाला ही आंसर आने का मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है। देखो ऊपर जैसे मुझे 59 दिखा तो मुझे पता है कि ये 0 ज़्यादा से ज़्यादा कट सकता है, 59 तो नहीं कटने वाला, तो 59 वाला ही आंसर होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और इनटू का साइड 8 है, तो 2 चौका 8, तो ये 4√3 आ गया, ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है, बाकी के काम को छोड़कर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो बनाना, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए देन मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ NK Maths Nandu Kumar। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन।